नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिड्यूरल हिमोटोमा यानी कि दिमाग में खून जमने के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क में लगने वाली चोट को घातक माना जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति को त्वरित इलाज की आवश्यकता होती है और कई बार ब्लीडिंग के कारण खोपड़ी और दिमाग के सुरक्षात्मक आवरण के बीच में खून जमा होने लगता है और स्थिति को एपिड्यूरल हिमोटोमा के नाम से जाना जाता है। सिर पर लगने वाली चोट की स्थिति में आंतरिक परत, ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंच सकती है और जिसके परिणाम स्वरूप ब्लीडिंग होता है। समय से इलाज न मिल पाने के कारण दिमाग में जमा होने वाला खून जानलेवा भी हो सकता है। एपिड्यूरल हिमोटोमा आपके दिमाग पर दबाव डाल सकता है और जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूजन की स्थिति में आपका दिमाग खोपड़ी की ओर शिफ्ट हो सकता है और इसके अलावा दबाव के कारण मस्तिष्क के ऊतकों को क्षति पहुंचने का खतरा रहता है और जिससे आपकी नज़र, बोलने की क्षमता और चेतना प्रभावित होती है। किसी प्रकार की दुर्घटना जिसमें कि दिमाग पर चोट लगी हो उसमें एपिड्यूरल हिमेटोमा के लक्षणों को पहचान कर रोगी की त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एपिड्यूरल हिमेटोमा के शुरुआती लक्षणों को पहचाना जा सके। तो इस वीडियो में हम आपको उसके शुरुआती लक्षण, खतरे और इलाज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण चोट की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। सिर में चोट लगने के कुछ मिनटों या घंटों में लक्षण नजर आने लगते हैं और यदि आपको कोई एक या एक से अधिक लक्षणों का अनुभव हो तो आपको एपिड्यूरल हिमेटोमा हो सकता है, जैसे कि भ्रम की स्थिति, चक्कर आना, सिर में बहुत तेज दर्द होना, मतली, उल्टी, दौरे पड़ना, एक आंख की पुतली का बढ़ जाना, एक आंख से कम दिखाई देना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी होना, साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ या सांस लेने के पैटर्न में बदलाव महसूस होना। ये लक्षणों के अलावा चोट लगने के बाद कुछ समय के लिए बेहोशी जैसी हालत भी हो सकती है और हालत ज़्यादा गंभीर होने पर कोमा जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो आमतौर पर सिर में लगने वाली चोट के परिणाम स्वरूप ये होता है। उदाहरण के लिए गिरने, वाहनों की दुर्घटना या खेल के दौरान एक दूसरे से टक्कर हो जाने से एपिड्यूरल हिमेटोमा होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों और स्थितियों में भी हिमेटोमा का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे कि बहुत अधिक शराब का सेवन, ऐसे खेल से जुड़े लोग जिनमें चोट लगने का खतरा ज़्यादा रहता हो, बिना हेलमेट पहने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना, रक्त को पतला करने वाली दवाएँ लेने वाले लोग और वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट ना पहनना। अगर हम इसके निदान की बात करें तो यदि रोगों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर को एपिड्यूरल हिमेटोमा का संदेह है तो वे इसकी जांच के लिए कई प्रकार के परीक्षण कराने की सलाह दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कुछ प्रकार के परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, और इन परीक्षणों के माध्यम से खोपड़ी और आपके दिमाग के ऊतक की जाँच की जाती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का आकलन करने के लिए। तो इन परीक्षणों के रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर दिमाग की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं और इलाज की प्रक्रिया भी इसी बात पर निर्भर करती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो रोगी की स्थिति और लक्षणों की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाया जाता है। यदि व्यक्ति को शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोट है तो उसे आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। एपिड्यूरल हिमेटोमा का इलाज विशेष रूप से दवाइयों और सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। तो अगर हम बात करें सर्जरी की, तो एपिड्यूरल हिमेटोमा के ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इसे ठीक करने और रक्त के जमाव को हटाने के लिए सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्रेनियोटोमी नाम के इलाज की पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में खोपड़ी के एक हिस्से को खोलकर रक्त के जमाव को हटाया जाता है और जिससे कि दिमाग पर पड़ने वाला दबाव को कम किया जा सके। इसके अलावा यदि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो डॉक्टर एस्पिरेशन नामक पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं और इसमें खोपड़ी में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है और इस छेद से सक्शन के माध्यम से हिमेटोमा को निकाला जाता है। हालांकि यह पद्धति सिर्फ उन स्थितियों में प्रयोग की जाती है जिनमें कि हिमेटोमा छोटा होता है और यह दिमाग पर दबाव नहीं डाल रहा होता है। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो क्रेनियोटोमी और एस्पिरेशन जैसे सर्जरी के उपायों से पहले दिमाग की सूजन और दबाव को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर जो है वो हाइपरऑस्मोटिक एजेंट को प्रयोग में लाते हैं और ये दवाएं आपके दिमाग की में सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। वही हिमेटोमा को हटाने के बाद डॉक्टर एंटी सेजियर दवाइयाँ लिखते हैं। स्थिति को देखते हुए इन दवाइयों का कोर्स एक महीने से लेकर एक साल तक हो सकता है और इन दवाइयों के अलावा तेजी से रिकवरी के लिए आवश्यकता अनुसार दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाली दवाइयों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हम बात करें घरेलू देखभाल की, तो सर्जरी के बाद स्थिति को ठीक होने में 1 से 6 माह तक का समय लग सकता है और सर्जरी के बाद घर पर अच्छे से देखभाल होना बहुत आवश्यक होता है। इस दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों और तरीकों का सही से पालन, शरीर को पर्याप्त आराम दें, रात में अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक होता है, अपने काम को धीरे धीरे करना शुरू करें, खेल कूद जैसी गतिविधियां, विशेषकर ऐसे खेल जिनमें एक दूसरे से पिटने का डर हो, उनसे दूर रहें और शराब का सेवन ना करें।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।